राम राम जी। आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, सेल्फ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात। कई बार होती है कि जो सेल्फ की ये चूड़ी है वो स्लिप हो जाती है, और स्लिप हो गई तो चूंकि एल्युमिनियम के बॉडी है, अब उसके लिए पूरा सेल्फ चेंज करना पड़ता है, टोटली सेल्फ हाउसिंग चेंज करनी पड़ती है। लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप यहाँ से समझिए, ये देखिए ये बोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, देख रहे ना, ये थ्रेड इसकी बिल्कुल एक्यूरेट है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये बोल्ट थ्रेड खत्म हो गया है, देखो आवाज सुन रहे होंगे, ये देखो यहां से दिखाता हूं मैं आपको, देख रहे हैं ना, ये थ्रेड बिल्कुल डेड हो गई है पूरी। अब आप समझ सकते हैं कि इतना डेड है कि ये डायरेक्ट बोल्ट जो है ना पूरा फ्री घूम रहा है अंदर, मतलब ये थ्रेड में डायरेक्ट जा रहा है, स्लिप हो गई है। तब इसके लिए क्या जुगाड़ है भाई, कि ताकि यही बोल्ट कामयाब हो, सेल्फ का जो है ये बोल्ट कामयाब हो, ऑप्शन है कि इसकी चूड़ी काट दी जाए और बड़ा बोल्ट लगा दिया जाए, चौड़ा बोल्ट। लेकिन हमारा जो हाउजिंग है गियर बक्से वाला, उसमें तो सुराख तो इतने का ही है, 12 बोल्ट का ही, उसमें ज़्यादा बड़ा सुराख तो है नहीं कि 14 नंबर का लगा देंगे। तो इसलिए ऑप्शन क्या है, तो एक ऐसा सॉलिड आइडिया है जिससे यही सेल्फ कामयाब होगा और बढ़िया चूड़ी बन जाएगी एक नंबर की। तो उसके लिए मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ थ्रेड्स जो हमारे डाउन हो जाते हैं, ये थ्रेड्स हैं, ये डाउन हो जाते हैं, तो इसी थ्रेड्स को लगा दिया जाता है अंदर में, ये थ्रेड हैं और ये स्प्रिंग की तरह होती हैं। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, ये स्प्रिंग की तरह होती हैं। अब इसमें बिठा दिया जाएगा इसको आसानी से, अब बिठाया कैसे जाएगा, ये देख सकते हैं ड्रिल, तो इस ड्रिल को लगा के बिठाया जाएगा अंदर से। अभी मैं प्रोसेस दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं ना, ये स्प्रिंग की तरह ये थ्रेड है, चूंकि ये देख सकते हैं, तो ये थ्रेड को हम फिट करने वाले हैं, क्योंकि थ्रेड खत्म हो गया, तो यही थ्रेड को फिट करने वाला हूं मैं इस सेल्फ में। अब प्रोसेस देखिए जरा, अब यहां बांग पे इतना ही टाइट करना है ताकि इसका कार्बन प्लेट और कोई गरारी घुग्गी दबे ना ज्यादा, और उसके बाद से इसको ड्रिल को लगावेंगे, ठीक है। अब इसमें वो प्रोसेस सेट करेंगे, इसकी चूड़ी बनावेंगे हम थ्रेड को, यहाँ थोड़ा सा वो तरीके से करना होगा, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं, बहुत स्लोली। और ये भाई अजर जुगाड़ है, जुगाड़ नहीं है, एक प्रोसेस है, लेकिन जुगाड़ी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम अलग से कर रहे हैं तो फिर जुगाड़ी है, पर एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू एल्युमिनियम के जो भी बॉडी हैं उसमें चूड़ी कोई स्लिप कर जाए तो उस बॉडी हाउजिंग को चेंज करने के बजाय ऐसा करके चलाया जा सकता है। अब ये ड्रिल हमने लगा दी, अब उसके बाद से थोड़ी सी इससे मोटी ड्रिल हम यूज करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं हम, क्योंकि 12 नंबर का, तो आप देखिए इससे थोड़ी सी मोटी ड्रिल को यूज कर रहे हैं। अब इस पे हम ये थ्रेड वाली जो है वो लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा थ्रेड का साइज है ये बिल्कुल ए वाला साइज में यूज करने वाला हूँ, ये वाला साइज। अब देखिए यहाँ प्रोसेस समझिए थोड़ा सा, दिखाइए ये इसमें खांचे बने हुए हैं, ये टूल है इसको इंसर्ट करने का, और ये चूड़ी में फंसा देंगे, लो ये देखो इतना आसानी से फंस गया। अब उसको स्लोली उसी में लगा देंगे, और ये हमारा बोल्ट हो जाएगा भाई बिकट, हिले ना, एक बार जहां लगा दिए ना तो वहां से फिर हिले ना।
और वो जो नीचे जा रही है ना वो जाकर फैल जाती है वहां। ओए होए होए क्या बात है। ओहो क्या बात है, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया। अब यहाँ से दिखाओ जरा इस साइड से, ये जो कुछ जो थ्रेड्स थी वो थ्रेड्स अब यहाँ आ गया ऊपर की तरफ में। अब इसको हल्का सा पेचकस मारेंगे तो ये जो बीच का पॉइंट है जिससे टाइट होता है वो टूट जाएगा और थ्रेड मेरी बिल्कुल प्रॉपर आ गई। अब ये देखो थ्रेड हल्की सी चोट मारी तो ये टूट गई और हमारी जो थ्रेड थी वो बिल्कुल एक्यूरेट बन गई। अब यहाँ से जूम करके मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितनी बढ़िया थ्रेड बन गई चारों तरफ से, बेहतरीन जो स्लिप थी वो थ्रेड दोबारा से रीस्टोर हो गई, तैयार हो गई। अब देखिए कितना सूटेबल थ्रेड तैयार हो गया। अब इस पे टाइट कर देंगे बोल्ट को, मजा आ जाएगा। ओए होए होए, अरे क्या बात है, ये देखो बिल्कुल बेहतरीन। अब देख सकते हैं ना बिल्कुल सेट हो गया मामला। अब दो तीन बार इसे रवा कर लेंगे चढ़ा के। अब मैंने जैसे नया बोल्ट लिया है, अभी यहाँ देखो बिल्कुल थ्रेड मस्त। अब जो मैंने बनवाया है वो थ्रेड देखो खुल जा, ये देखो ये प्ले नहीं है इसके अंदर, देखो देख रहे हो ना बिल्कुल प्ले नहीं है, ये देखो तो इस तरीके से आप थ्रेड को बनवा सकते हैं और बहुत जबरदस्त आइटम है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत परेशानी है, बिल्कुल देखो जितना है उतने में चूड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, देख सकते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट चूड़ी है और लगाते के साथ ही देखो तो इस तरीके से आप बनवा के रिस्टोर कर सकते हैं इसके चूड़ियों को। अब ये सेल्फ बिल्कुल सेट बच गया मेरा, कोई दिक्कत ही ना। तो ठीक है भाई, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके थैंक यू।